नमस्कार दोस्तों, मैं सज्जन आपका स्वागत करता हूं इंडियाज नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी 2.0 ए पार्ट ऑफ अन अकेडमी। कैसे भी सभी, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आप सभी को रक्षाबंधन के बहुत बहुत शुभकामनाएं हों, त्यौहार आपका बहुत अच्छा जाए। और इस साल तो आपका और हम सभी का, आपको मालूम है कि प्रॉब्लम ऐसी हो रही है, तो आगे का आने वाला टाइम आपका बहुत बढ़िया हो। चलिए तो थॉट ऑफ द डे से शुरू करते हैं। कैसे हो सभी, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के त्यौहार पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। भाई बहन का प्यार बना रहे और आपकी भी जो इच्छा हो पूर्ति हो। चलिए तो थॉट ऑफ द डे, फर्क इससे नहीं पड़ता कि अभी तक आपने क्या किया, फर्क इससे पड़ता है कि अब आप क्या करने वाले हैं। देखिए तो एक बहुत ही सुंदर थॉट के साथ हम शुरू करते हैं। आपने क्या किया उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप क्या करने वाले हो इससे फर्क पड़ता है। आपने अभी तक कितनी तैयारी की, कितनी तैयारी नहीं की, उससे फर्क नहीं पड़ता। आज तक आपका रिजल्ट क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जो आप तैयारी करोगे इससे फिर आपका आगे का रिजल्ट आएगा। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को बहुत बहुत। आज फिर कह रहे हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार है तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए हमारा अन अकेडमी पर 5 अगस्त से एक फाउंडेशन बैच आ रहा है। 5 अगस्त से फाउंडेशन बैच, जिसका टाइम है 12 PM। 5 अगस्त से फाउंडेशन बैच आ रहा है 12 PM। उसको लेने के लिए, मतलब वो SSC, बैंक, रेलवे, सभी प्रकार की, आपकी सभी प्रकार की क्लासों के लिए बहुत मतलब यूजेबल है। तो सज्जन 10 आप लगा के इस क्लास को ले सकते हो। सज्जन 10 लगा कर आप इस क्लास को ले सकते हो। और जहाँ पे आपको मैथ्स के अलावा इंग्लिश आपके रही, रीजनिंग रही, आपकी GK GS, मतलब सारी क्लासेज आप मिल सकती हैं और सारी क्लासों का फ़ायदा उठाओगे। चाहे वो राजस्थान के कोई बच्चे हों या SSC, बैंक, रेलवे वाले बच्चे हों, NTPC वाले बच्चे हों। ठीक है गाइस, हमारी जितनी भी क्लासेज हैं, स्पेशल क्लास या सबका लिंक हम लोग टेलीग्राम पे डाल देते हैं, PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स बाई सज्जन सर। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ्स बाई सज्जन सर। फेसबुक भी आप सर्च करिएगा, ER सज्जन सिंह माप को मिल जाएगा। देखिए स्पेशल क्लास हमारी चल रही है अभी 1 बजे से 1 PM से कितना भी आपका 2 PM। उसमें क्या चल रहा है, मेंसुरेशन चल रहा है। कैसे लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता सर स्पेशल क्लास कैसे लें। तो आप सबसे पहले क्या करिए, अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे सर्च मारिएगा और सर्च में क्या लिखना, सज्जन सर। SSC में जाइएगा और यहाँ पे आप फॉलो कर लीजिएगा। और हमें आप डेडिकेशन भी दे सकते हैं, कुछ भी बढ़िया सा आपको जो लगे। तो यहाँ पे स्पेशल क्लास में आप जब क्लिक करोगे तो देखो थोड़ा स्क्रॉल ऊपर लाइव क्लास आएंगे। स्क्रॉल करने पर आपको ये आएगा कि भाई फ्रॉम एजुकेटर यू फॉलो। तो यहाँ मेरी बहुत सारी क्लासेज आपको मिलेंगी और लाइव क्लास भी आपको मिलेंगी। और फॉलो करने पर क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फॉलो जरूर कर लें। और जो स्पेशल फ्री क्लासेज हैं, फ्री स्पेशल क्लासेज, इनका भी आप लुत्फ़ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फ़ायदा उठाएं। ठीक है भाई, चलिए तो चौथे हमने उसमें, ये हमारा लास्ट पॉइंट चल रहा था, हमने एक दो क्वेश्चन और आपके लिए लिए हैं। देखिएगा सभी लोग जुड़ जाइए क्लास को, भाई लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। बार बार हम कह रहे हैं कि रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारा लास्ट पॉइंट चल रहा था, इसके हमने दो क्वेश्चन और लिए, फिर हम आगे पॉइंट शुरू करें। एक विद्यार्थी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो गया। तो हमें मालूम है कि भाई अगर 30% अंकों में आप 6 जोड़ दोगे तो बच्चा पास हो जाएगा। दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 6 अधिक है। यानी अगर इस 40% में से हम 6 अंक घटा दें तो दोनों क्या होंगे, आपके पास होंगे। सही बात है भी? जी, अंकों को एक तरफ ले जाएं, परसेंट एक तरफ ले जाएं, तो परसेंट का डिफरेंस कितना आ गया, 10%। 10% बराबर कितना, 12। पूछा कि हमसे अधिकतम अंक मतलब 100%। तो 100% का मतलब कितना हो गया भाई, आपका 120 अंक हो गया। 100% मतलब कितना हो गया बेटा, आपका 120 अंक हो गया। हमने यहाँ पे बातें की हैं, देखो क्या क्या कि अधिकतम अंक पूछ सकता है आपसे। अधिकतम अंक के साथ साथ क्या पूछ सकता है भाई, आपका परसेंट पूछ सकता है कि उत्तीर्ण होने का परसेंट क्या है, उत्तीर्ण होने का अंक क्या है। सही है, आई होप सभी का आंसर आ गया होगा, सभी का आंसर सही भी होगा, क्योंकि ये टाइप हम करवा चुके हैं, काफी क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में इस टाइप के किए। चलिए एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, इसका काफी क्वेश्चन हमने इसमें किए, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। पढ़िएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो
एक परीक्षा में विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 25 अंक अधिक लेता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक थे। फिर वही अधिकतम अंक पूछे हैं, बताइएगा क्या आंसर आएगा। फिर आपको अधिकतम अंक पूछा है, बताइएगा क्या आंसर आएगा। यस, बिल्कुल हम ऐसी बातें कर चुके हैं, तो आपको बताना है कि अधिकतम अंक कितना आएगा। 30% अंक लिए, 25 से फेल हो गया, दूसरे ने 40 लिए, 25 ज्यादा है। तो हम बार बार इस यही बात करें कि भाई पासिंग परसेंट यानी आपस में बराबर, पास बराबर पास। और पास कैसे, 30% वाला कितने से फेल हो रहा है, 25 से, तो फेल वाले नंबर जोड़ दो, पास हो जाएगा। और 40% कितना ज्यादा लेके आ रहा है, 25 ज्यादा लेके आ रहा है, निकाल दो, पास ही होगा, पास बराबर पास। परसेंट एक तरफ, अंक एक तरफ, तो ये 10 और ये कितना 50। हम कहेंगे 10% का मतलब 50 है, तो 100% का मतलब हम क्या कहेंगे बेटा, यानी 500। आई होप ये वाली आपको, ये वाला पैटर्न और ये वाला तरीका शायद आपको समझ में आ गया होगा। काफी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सबने सही किया होगा, और ये बातें हम कर चुके हैं। तो फिर आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक, इस पे आगे जो लेंगे हम लोग 2-3-4 क्लास ले सकते हैं, पांचवी क्लास में जो। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। दो विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, उनमें से एक ने 9 अंक अधिक प्राप्त करता है, एक दूसरे से 9 अंक या अधिक अंक प्राप्त करता है, तथा उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 56% है, तो परीक्षा में दोनों के कितने कितने अंक प्राप्त किए आपको बताना है। अब देखो भाई, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर हम यहाँ गो थ्रू द ऑप्शन हम बात करें, सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि गो थ्रू द ऑप्शन बात करें कि भाई दोनों में से एक के अंक क्या है, 9 अधिक है, और जो इसके अधिक है ना, उसके अंक टोटल का कितना है भाई आपका, 56%। टोटल का कितना है आपका, 56%। तो क्या हम ऐसी बात कर सकते हैं भाई कि इसका जो अंक है टोटल का, देखो क्या बोल रहा है, दो विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, उनमें से एक दूसरे से 9 अंक अधिक अंक प्राप्त करता है, उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का कितना, 56%। उसके अंक दोनों के योग का कितना है, 56% है, तो बताइए कितना आपका, मतलब दोनों का अलग अलग अंक कितना। अब या तो हम गो थ्रू द ऑप्शन जाएं कि भाई हम अंतर देखें कि भाई इसमें 9 का, इसमें 9 का, इसमें 9 का, मतलब किसमें 9 का अंतर है, या तो हम पहले ये देखें कि 9-9 का अंतर देखें। अब यहाँ पे 9 का अंतर कई यो में आ रहा है, तो हम वो नहीं करेंगे। अब देखो उसने क्या कहा, ऑप्शन से जाने का मतलब क्या है कि मान लो मैंने कोई भी ऑप्शन ऐसे यहाँ पे लिया, और मैंने ले लिया भाई कोई भी यहाँ पे ऑप्शन कि भाई 42 लो ये, तो अब 42 ज्यादा है कितना, 33-9, तो क्या हो गया आपका 42 प्लस कितना आपका 33, ये टोटल का ये इंटू 56%, क्या ये आ रहा है क्या। यानी या तो यह तरीका क्या है कि हम ऐसे चेक करें, सही है ना, गो थ्रू द ऑप्शन। जैसे हम लोग मान लो यहाँ पे हमारा मान लो आंसर आ रहा है कि भाई हम यहाँ चेक कर लेते हैं, इसी को चेक कर लेते हैं कि ये मेरा आंसर आ रहा है, तो मैं कहूँ कि भाई अधिक वाला कौन है, 42 है। देखिएगा इसकी बात करते हैं, तो अधिक वाला कौन है भाई, 42 है, अधिक 42 है, तो हम कहेंगे अधिक वाले का अंक टोटल का कितना है भाई, टोटल का कितना आ रहा है बेटा, अधिक वाले का अंक टोटल कितना आ रहा है जी, 56% आ रहा है। तो मैं कहूँगा सर 42 अपॉन टोटल कितना आपका, 42 प्लस कितना आपका 33, और इंटू 100 करूँ तो ये 56% आना चाहिए, तो मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ 42 अपॉन, यहाँ मैं बात करूँ तो 42 ये कितना हो गया भाई, 2-3-5 और कितना आपका 7-75 इंटू कितना आपका 100, यहाँ बात करूँ तो कितना आपका 3, ये कितना आपका 4, 3 बात करूँ तो कितना आपका 14, 14 कितना आपका 56%, बिल्कुल सही आता है। यानी आपने जो बात की वो पहला ही आंसर आपका बिल्कुल सही। यानी या तो हम बात करें गो थ्रू द ऑप्शन, सही बात है कि देखिएगा भाई किसमें अंतर 9 का है, जिनमें अंतर 9 का वो तो लेंगे नहीं, और जिनमें अंतर 9-9 का वो ले लेंगे, पर यहाँ पे अंतर देखते हैं कि सब में अंतर बराबर 9 का ही है, तो हम चेक करेंगे कि 9 वाले के अंक टोटल का कितना है, 56%। या फिर अगर हम एक्स मान लेते हैं कि भाई मान लो ए और बी बच्चा है, ए और बी है, अगर एक का एक्स है तो दूसरे कितना है, एक्स प्लस 9, इसके अंक यानी एक्स प्लस 9 टोटल का, टोटल मतलब एक्स प्लस 9 प्लस एक्स का कितना है भाई, 56%, यानी इसका 100% बराबर कितना है, 56। बस सॉल्व कर लेंगे, यानी कितना हो गया एक्स प्लस कितना 9 अपॉन 9 प्लस बेटा कितना आपका 2x, सही ना, 2x प्लस 9 बराबर आपका कितना, 56/100। 56 कितना भाई आपका 100 है, यहाँ से मैं काटूँ तो 4 से तो कितना आपका 14, 4 से काटूँ तो कितना आपका 25।
देखो सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे करें क्रॉस गुना कर दें तो ये कितना हो गया आपका 25x + 25 नंबर कितना भाई आपका 225 सही बराबर। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 25 नंबर कितना आपका 200 कितना वो 25 नंबर कितना वो सॉरी 14 इंटू कितना आपका 9 14 नंबर 126 कितना भाई 120 कितना आपका 6 और ये 14 ने कितना आपका 28 आ गया 28x। सॉल्व करेंगे भाई x एक तरफ और ये एक तरफ, देखो 225 माइनस 126 करूंगा 99 और 28 माइनस ये करूंगा तो कितना हो गया 3x, 3x बराबर कितना 99 तो x बराबर बेटा कितना हो गया 33। अगर इसके 33 हैं, एक के 33 है तो दूसरे कितने 9 ज्यादा यानी कितना आपका 42, तो अंक आगे 33 और 42 तो मेरा आंसर। तो दोनों बातें कर सकते हैं, या तो हम पहली पहला तरीका हमने क्या किया भाई गो थ्रू द ऑप्शन, पहला तरीका हमने क्या किया गो थ्रू द ऑप्शन। दूसरा अगर हम मान लो x मान लेते हैं तो कि भाई अधिक वाले का अंक टोटल अंक का 56% होना चाहिए, तो अधिक वाला कितना है x प्लस 9 और टोटल कितना है x प्लस 9 प्लस x जी, उसका अगर हम प्रश्न निकाल तो कितना होना चाहिए 56 होना चाहिए। सही बात है, तो सॉल्व कर लेंगे दोनों प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। गो थ्रू द ऑप्शन, ऑप्शन जाओ ऑप्शन में चेक करो भाई कौन सा 56% है, मतलब जो अधिक वाले का टोटल के साथ निकालो तो क्या 56% आ जाएगा, और नहीं तो हम x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सभी को बात समझ में आई होगी। अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन अभी एग्जाम में भी पूछा गया था, पहले ही क्वेश्चन आया हुआ है, अभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ये बताइए, ये कह रहा है एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां भाग लेते हैं जिसमें 60% लड़के और 50% लड़कियां पास होती हैं, तो परीक्षा में कितना परसेंट विद्यार्थी फेल हुआ, कितना परसेंट विद्यार्थी फेल हुआ, फेल का प्रश्न निकालना। यस, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास को भाई शेयर और लाइक जरूर करें, ठीक है। 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं, लड़कों में 60% लड़कियों में 50% पास हुए, तो फेल होने वालों का परसेंट निकालना है कितना परसेंट, आंसर निकाले भी सभी। देखो मैं ये कह रहा हूं कि भाई बॉयज कितने थे 1000, गर्ल्स कितनी है 800, अगर 60% पास हैं तो फेल कितने हैं 40%, अगर 50 पास हैं तो फेल कितनी लड़कियां 50%, 1000 का 40% यानी कितना आपका 400 प्लस इसका 50% यानी कितना आपका 400, तो टोटल फेल कितने होंगे 800, 800 बच्चे फेल हुए हैं कितने 1800 में, इंटू बेटा क्या करूंगा 100, दो जीरो से दो जीरो गया भाई, यहां बात करूं तो कितना आपका 400 और ये कितना आपका 9, यानी 400/9 याद आया क्या, 4/9 इंटू 100 करूंगा तो क्या परसेंट होता है आपका 44.44%, याद आ रहा है क्या, 4/9 को अगर परसेंटेज बदलें तो 44.44%, आई होप याद है, हमने परसेंट का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का परसेंटेज काफी अच्छे से पढ़ा। अगर 60% पास हुए तो 40% लड़कियां क्या होंगी, मतलब लड़के क्या होंगे फेल, 50% लड़की पास हैं तो 50% लड़के क्या होंगे फेल, आई होप बात समझ में आई, सही है ना। नेक्स्ट देखिएगा क्या होगा, ध्यान से पढ़ेगा, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन बात कर रहे हैं। एक परीक्षा में 25% विद्यार्थी फेल होते हैं, केवल 450 विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, तो परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सभी का आंसर आना चाहिए, बताइएगा क्या आंसर है। 25% क्या हुए हैं फेल और 450 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हुए, तो टोटल बच्चे क्या थे, कुल बच्चे क्या थे, सबका आंसर आ गया 600, सही बात है ना। देखो 25% का मतलब हुआ भाई 1/4, अगर टोटल 4 हैं तो उसमें कितना फेल हुआ है 1, तो पास 1 फेल हुआ है तो पास कितना, फेल 1 हुआ है तो पास कितना आपका 3, 3 का मतलब कितना है 450 यानी कितना गुना 150, तो टोटल कितना है 4 का मतलब 150 इंटू 4 यानी
600 लोग, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आपकी 600, सही बात है ना भाई। भाई अगर 25% अगर आपका फेल हुआ है तो पास कितना होगा 75%, 75% का मतलब 450 है, तो 100% का मतलब क्या है, तो 100% मतलब कितना आपका 600 हो गया। बोल तो फेल कितना हुआ, एक इकाई 150 कम 150 आता आपका, तो टोटल बच्चे कितने हो गए आपके 600, सही बात है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी मतलब इसी प्रकार का है, सिंपल ही है। क्या कह रहा है देखो, दो लगातार वर्षों में क्रमशः 100 व 75 विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं, उनमें से क्रमशः 75 और 60% विद्यार्थी पास होते हैं, तब पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत परसेंट क्या है, पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत परसेंट क्या है। देखो 100 बच्चे हैं और 75 बच्चे हैं, 75 वहां पास होते हैं, 60% वहां पास होते हैं, तो पास होने वालों का औसत परसेंट पूछा है क्या, बताइए। फिर सिंपल सी बात है भाई कि उसका कितना निकालना है और उसका कितना निकालना है, और फिर औसत निकालना है तो टोटल का जो भी है उसमें टोटल का भाग देके इनटू 100 कर देंगे तो औसत का परसेंट आ जाएगा, सही है ना। आई होप सिंपल ही बात कर रहे हैं, सॉल्व करिए कितना आएगा आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए। नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। देखो सिंपल बात, देखो यहां पे टोटल बच्चे कितने हैं, ये 100 हैं और ये कितने हैं 75। पास का परसेंट क्या दे रखा है, पास ही पूछा, ये 75% दे रखा है और ये कितना दे रखा है भाई 60% दे रखा है। 100 का 75% तो कितना पास हुआ, 100 का 75 पास हुआ, 75 का 60 यानी 3/4 इंटू कितना आपका 60, 15 थी कितना आपका 45, तो टोटल पास कितने हो गए, टोटल पास कितने हो गए भाई आपके 75 प्लस कितना आपका 45 यानी 120, 120 बच्चा पास हुआ है कितना 175 में, 120 पास हुआ है कितना 175 इंटू कितना करूंगा भाई 100, सही है। 25 की बात करूं तो 25 कितना आपका 4, 25 की बात करूं तो कितना आपका 7, सही बात है। ये कितना हो गया भाई आपका 1248, 400 कितना 80 अपॉन कितना आपका 7, परसेंट निकालूंगा आगे तो 7 संख कितना आपका 42, कितना बचेगा आपका 6, 7 × 8 कितना आपका 56, तो ये आ गया 68, सही 4/4 कितना आपका 7, चेक करेगा एक साथ है, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ऑप्शन में यही हमारा पास आंसर है, दूसरा एक अंक जीरो आ रहा है तो कई बार ये चेक कर लो, 8 × 7 = 56, 6 और 4 = 0, मतलब यही जीरो है, तो कितना आ गया आपका 68, सही 4/7% इज द राइट आंसर। आई होप सभी का आंसर आया होगा, मेरे हिसाब से किसी का भी यहां पे आंसर गलत नहीं होना चाहिए, सभी का आंसर आया भाई। भाई 100 का 75% 75, 60 का 75 का 60% यानी 45, तो टोटल पास कितने हुए 120 बच्चे, कितनों में से 100 और 75 175 में से, तो 120 175 का क्या परसेंट है, तो वही हमारा औसत आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा आपका, यानी औसत परसेंट हमारा कितना आया बेटा निकल के 68, सही 4/7% है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई सबको, इस प्रकार के मैंने कहा ना हर प्रकार के क्वेश्चन लेंगे, बेसिकली क्वेश्चन लेंगे, फिर उसमें बढ़िया क्वेश्चन लेंगे, कहीं पे भी कोई प्रकार की कमी नहीं रखेंगे, कहीं पे भी कोई भी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे। ये क्वेश्चन देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, आपकी बार भी क्वेश्चन आया था पिछले साल और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका एग्जाम में। क्या कह रहा है देखो, आप समझिएगा, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों की संख्या 500 है, ए बी से 10% कम, बी को सी से आपका बी को सी से कितना 25% अधिक और सी डी से 20% कम प्राप्त करता है, ए को बी से 10% कम, बी को सी से 25% अधिक और सी को डी से 20% कम प्राप्त होता है, तो ए को अगर 360 अंक प्राप्त मिला मतलब मिला हो तो अधिकतम अंकों में डी का परसेंट कितना है। ये बिल्कुल क्वेश्चन आपने कर रखा होगा, हो सकता है कई बच्चे देखते टिक कर दें क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन, तो बहुत सारे बच्चे देखते टिक भी कर सकते हैं, बताइए भाई क्या ए और बी में संबंध रेखा है, बी और सी में संबंध रेखा है, सी और डी में संबंध रेखा है,
अगर ए 360 अंक प्राप्त करता है 500 में से, तो डी ने कितना परसेंट अंक प्राप्त किया आपको बताना है। देखिए जिन लोगों को कोई बात समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को जरूर दोबारा से मतलब देखिएगा, तो बात समझ में आपको आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताइए आंसर कितना आएगा। देखिए रेशियो भी लगा सकते हैं, या फिर देखो या ए बड़ा छोटा बी से है, बी बड़ा छोटा सी से है, सी बड़ा छोटा डी से। अगर मैं रेशियो की बात करता हूँ, पहले देखो दो तरीके की बात करता हूँ। 10% का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन 1/10। ए बी से 10% कम, अगर बी आपका 10 है तो ए कितना है 9, यानी ए अनुपात बी कितना आएगा बेटा 9:1 कितना आएगा 10 आएगा। आगे बी सी से 25% अधिक है, अब देखो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई 1/4, बी सी से 25% अधिक है तो बी और सी का रेशियो निकालेंगे बी अनुपात सी, देखिएगा तो बी सी से अधिक है तो सी को मैं क्या मानूंगा अगर 4, तो बी कितना हो जाएगा 5, 5:5 कितना आपका 4 हो गया, सही बात है। फिर अगर मैं बोलूँ सी और डी का, तो सी अनुपात देखो डी, तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ कितना परसेंट 20% है, 20% का मतलब 1/5। इसने क्या कहा सी डी से 20% कम है, तो अगर डी को मैं 5 मानता हूं तो वो कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब मैं एक साथ ए बी सी डी की बात करूं, पर देखो मेरी बात को समझना, क्या यहाँ पे ए की बात कर रहा है और सिर्फ डी का पूछा है, तो क्या आपको मालूम है अगर हम ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी लिखते हैं तो ये कॉलम पूरा क्या होता है ए का और ये कॉलम पूरा क्या होता है डी का, होता ही नहीं होता। तो अब देखो इस रेशियो को यूज करो, 9:10, 5:4, 4:5, तो ये जो आएगा वो ए आएगा और ये जो आएगा वो सीधी डी आएगा। तो इसको गुणा करो, उससे पहले देखो 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी कितना आ गया 9:10 कितना आ गया 10। अगर ये ए है तो ये कितना आएगा आपका डी आएगा। क्या आपको पता है भाई रेशियो में ये बात हम करते हैं, क्या पता है आपको रेशियो में ये बात हम करते हैं कि ये आपका पूरा कॉलम ए आएगा, ये पूरा कॉलम आपका डी आएगा। तो ए का मतलब, ये ए का मतलब कितना है 9, तो डी का मतलब कितना है 10, तो 9 यूनिट का मतलब कितना हो गया 360, तो 1 का मतलब कितना हो गया आपका 40, तो 9×36, तो डी का मतलब कितना हो गया आपका 40×10 यानी 400। डी कितना अंक प्राप्त कर रहा है 400, 400 किसमें से 500 में से, 400/500 भाई कितना आपका 100, 2 जीरो गया 8×5=40 यानी कितना आपका 80%, 80% इज द राइट आंसर। ये तो पहला तरीका हुआ अगर हम किसका यूज करते हैं रेशियो का। याद रखिएगा अगर बी और सी का पूछते तो फिर हम ए बी सी डी का रेशियो निकालते एक साथ, और वो ऐसे नहीं आएगा, ये ए और डी को शो करता है। ए बी सी डी का रेशियो कब आएगा, जब दोनों तरफ बी और सी आपका बराबर होता है तो ए बी सी डी का रेशियो आता, सही बात है भाई जी। तो अब देखिए अगर मैं इसको एक साथ करना चाहूँ तो आप इसको ध्यान देखिएगा, देखो जिनको समझ ऊपर ध्यान दीजिए, क्या मैं एक साथ ए बी सी और डी का रेशियो निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर आप ए बड़ा छोटा बी से है, बी बड़ा छोटा सी से और सी बड़ा छोटा डी से है, तो डी को 100 मान लीजिए, लास्ट वाले को 100 मानो। सी क्या है भाई 20% कम, 20% कम होने का मतलब 80। फिर देखो बी सी से 25% अधिक है, 80 का 25% यानी 1/4, 80 का 25% 1/4 यानी कितना आपका 20। अगर 20 रुपये ज़्यादा हुआ तो बी कितना आ गया वापिस 100 आ गया भाई। अब देखो ए बी से क्या है 10% कम, तो 100 का 10% कम यानी ये कितना आ गया 90। तो यहाँ रेशियो निकालें, गया 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 और गया, तो भैया 9:10, 8:10 क्या आपका 10, या ए बी सी का सीधा अनुपात आ गया 9। वही बात 9 बराबर कितना आपका 300, कितना आपका 60, 1 बराबर कितना आपका 40, तो 10 बराबर कितना आपका 400, तो 400 का 500% निकालूंगा भाई तो कितना आएगा आपका 80%। आई होप दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे ए बी सी डी का रेशियो निकालते तो अलग होता है, पर मुझे यहाँ ए की जरूरत है, यहाँ डी की जरूरत है, तो सीधे ये गुणा करूंगा तो ए और ये गुणा करूंगा तो मेरा क्या आएगा डी। तो ये गुणा करने से पहले मैंने इनको काट दिया, तो यहाँ से मेरे पास सीधे आ गया। और बाकी हम एक लाइन में भी रेशियो लिख सकते हैं, ये चीजें आपको सीखनी है कि मैं एक लाइन में कैसे रेशियो निकाल सकता हूँ बड़ा और छोटा, ए बड़ा छोटा बी से, बी बड़ा छोटा सी से, सी बड़ा छोटा डी से, तो लास्ट में डी को मानूंगा तो बी सी आएगा, सी से बी आएगा और बी से क्या आएगा ए।
मैं फिर कह रहा हूँ, जिनको कोई बात समझ में नहीं आए तो प्लीज़ एक बार वीडियो को वापस से मतलब देखिएगा, रिवाइज करिएगा चीज़ को, आपको बातें समझ में आए। ठीक है बात है भाई, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा और सभी लोग बहुत मज़े में होंगे और मज़े से पढ़ रहे हैं। आ जाइए आठवा क्वेश्चन करके बताइए क्या कह रहा है आठवा क्वेश्चन। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां शामिल होते हैं, जिसमें 50% लड़के और 40% लड़कियां पास हुई हैं। परीक्षा में कितना परसेंट बच्चा फेल हुआ है? ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, बताइए कितना परसेंट फेल हुआ है, बताओ। 50% लड़के और 40% लड़कियां पास हुई हैं, तो बताओ फेल होने वालों का परसेंट। धीरे 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 बातों का आप देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा, और कोई बात समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को आप वापस से रिवाइंड कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। छोटी मोटी कैलकुलेशन बातें हैं वो तो भाई आपको करना ही है, वो तो आपको समझना ही। देखो बॉयज और गर्ल्स करवा दें हम लोगों ने ये बात, कितने हैं 1100 हैं 900 हैं, टोटल बच्चे 2000। अगर पास ये 50% हुए हैं 50% और ये 40%, तो हम क्या बोलेंगे फेल कितना हो गया, रेस्ट आपका बचा हुआ 50%, तो यहाँ कितना 60%। देखो इसका 50% निकालूं तो 11 5 55 550 बच्चे, और इसका 60% 9 6 54 500 कितना आपका 40 बच्चे। क्या बात सही है कि नहीं भाई? देखो इसका निकालूंगा, आपको क्या बोला है भाई, तो कितना परसेंट फेल हुआ है, फेल का पूछा है ना भाई, कितना परसेंट क्या हुआ आपका फेल हुआ है। तो 11 5 कितना 55, और ये देखो 40% अगर पास हुआ है तो फेल 60%, 9 6 कितना आपका 54, 9 6 54 540 कितने हो गए भाई 1000, कितना आपका 90, कितने में 2000 में इंटू कितना आपका 100, 2 0 से 2 0 ये गया, 1 0 से ये गया, 110 का आधा करता तो कितना आता 55, ये आ गया 54 पॉइंट कितना आपका 5%, 54 पॉइंट कितना आपका 5%। तो अगर 5% पूछता तो अलग था, फेल पूछा है तो भाई अगर ये पास 50 और 45 हैं तो फेल कितने आपके, ये आपका 50 और 60, क्योंकि फेल का पूछा है और ये जो दे रखा है वो हमें पास का दे रखा है। तो 109 का आप आधा करोगे भाई, 110 का आधा करते 55%, तो 0.5 कम कर दो, तो क्या आ गया आपका, डी इज द राइट आंसर। और मोस्टली हमने जो क्वेश्चन लिए हैं ना, वो सारे क्वेश्चन वही लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए, हमने ऐसे क्वेश्चन लिए ही नहीं है जो आपके एग्जाम पूछने गए। पहले बेसिक आपको उन्हीं क्वेश्चन से करेंगे जो एग्जाम पूछे गए, और फिर और उन पर ऊपर कैसे बातें कर सकते हैं, इस लेवल पर ले सकते हैं, वो बातें हम धीरे धीरे आपको आगे करते हैं। सही बात है भाई, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। किसी उपकरण का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है तो 3 वर्ष बाद उपकरण का मूल्य कितना परसेंट कम होगा? अगर हर साल 20% घटता है तो 3 वर्ष बाद कितना परसेंट कम होगा, कितना परसेंट मतलब घट गया, कितना परसेंट कमी आई आपको, कमी परसेंट निकालनी है। ठीक है भाई बताइए कितना आंसर। उपकरण का मूल्य अगर 20% घटता है तो 3 वर्ष बाद उपकरण का मूल्य कितना परसेंट कम होगा? आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा बातें, अगर सभी को बातें समझ में आ रही हैं तो लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और फिर मेरी ओर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आप भाई बहनों में प्यार बना रहे और आपकी जो भी मनोकामना हो पूर्ण हो। देखिए क्या करेंगे भाई, 20% क्या हम रेशियो यूज कर लें, 20% यानी कितना 1/5, पहली बार 5 से कितना होगा 1 कम यानी 4, अगले साल फिर वही 5 से क्या होगा 1 कम कितना 4, फिर अगले साल 5 से क्या होगा 1 कम 4, लगा सकते रेशियो। यानी अगर ये 125 था 5 5 5 तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अगर कोई उपकरण का मूल 125 है तो 3 साल बाद वो कितना हो जाएगा 64, तो कितनी कमी आई, 125 माइनस 64 यानी कितना 61, 61 अपॉन 125 इंटू भाई कितना आपका 100, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5 यानी 0.8, 61 इंटू कितना आपका 0.8, 8 8 पर 8 से 48 यानी कितना हो गया 48.8%। आई होप सभी का आंसर सही होना चाहिए,
ए इज द राइट आंसर। आई होप सभी का आंसर सही होना चाहिए भाई, कितना आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर 48.8%। 48.8% क्या बोला है कि भाई तीन साल बाद घटकर कितना, मतलब आपका कितना परसेंट कमी होगी, ये पूछा है। तीन वर्ष बाद उपकरण का मूल्य कितना परसेंट कम होगा आपको पूछा है। तो शुरुआत में मूल्य कितना था 125 और अब कितना हो गया 64, तो मूल्य में कमी कितने 61 की। ऐसा क्यों किया भाई सर, ये क्यों किया भाई, तीन वर्ष की बात कर रहा है, पहले साल, अगले साल और फिर अगले साल, और जब रेशियो सेम होता है तो हम क्या कर देते हैं इसको 5 का क्यूब और 4 का क्यूब करते हैं ना, ऐसे चक्रवर्ती ब्याज में हम लोग, वहाँ वृद्धि होती है पर कोई बात नहीं। तो 5 का क्यूब 125 और 4 का क्यूब कितना 64, एक लाइन में आ जाता है। क्यों करते हैं, क्योंकि पहले साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल इफेक्ट पड़ेगा, तो वो आपका ये हो जाएगा 125 से कितना 64, तो कमी कितनी आ गई आपको, ये कमी आ गई 61 की। सही बात है भाई, क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आई होप सभी को बात समझ में आ रही होगी। बात समझ में आए तो क्लास को लाइक करें और क्लास को शेयर करें, ठीक गाइस। चलिए देखो, रक्षाबंधन का त्यौहार है तो सोच रहा हूँ कि भाई आज कम ही पढ़ाएं, और बहुत सारे बच्चे व्यस्त होंगे। ये क्या बोल रहा है, किसी मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% की दर से कम होता है, प्रत्येक वर्ष 10% की दर से कम होता है। अगर वर्तमान में मशीन का मूल्य 50,000 है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना, वही बात हमने भी कहा कि रेशियो आप लगा सकते हो, अब इतना है तो 2 साल बाद कितना होगा आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी करिए, सिंपली क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए सबका। किसी मशीन का मूल्य रुपए, मतलब प्रतिवर्ष 10% की दर से कम होता है, अगर वर्तमान मशीन का मूल्य 50,000 है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा आपको बताओ। सभी को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है सभी को, बहुत अच्छी बात है। देखो आप भाई इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। 10% की बात करें बेटा, 10% का मतलब हुआ 1/10, 10 में 1 की कमी, तो 10 था तो अगले साल कितना हो जाएगा 9, फिर अगले साल 10 है तो कितना हो जाएगा 9। और चाहे हमने कहा कि भाई 10 से 9 हो रहा है, अब 2 साल दे रहा है तो क्या करें, 10 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कर दो, सीधी वही बात है, यानी कितना आ जाएगा 100 और कितना आपका 81, यहाँ तो वही आएगा क्योंकि कटेगा नहीं कोई कॉमन, तो कितना होगा भाई 100 से कितना हो जाना है 81 हो जाना है, 100 से कितना 81 हो जाना है। 100 का मतलब क्या दे रखा है 50,000, तो देखो 100 का मतलब 50,000 है, तो भाई यहाँ काटूंगा तो 1 का मतलब कितना हो गया भाई 50,000 में से क्या होगा 2 जीरो कट जाएंगी 500, 81 का मतलब कितना हो गया भाई इंटू 500 करूंगा, 81 इंटू कितना आपका 500, 2 जीरो आपका हो गया 5, 8, 5, 40, तो 40,500 इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर है 40,500, डी इज द राइट आंसर गाइस। काफी लोगों का सही आंसर आ रहा है, डी इज द राइट आंसर गाइस, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, 40,500 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई सभी का, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। तो देखिएगा वृद्धि क्या, कमी क्या है, कितना पास कितना फेल, हमने बहुत सारी बातें की और इसकी फर्दर बातें हम क्या करेंगे आपके कल करेंगे। तो मैं आपको फिर बता दूं, अगर मान लो आप अनअकैडमी पे ऐप डाउनलोड करते हो तो यहाँ गोल में जाओ, लॉगिन करो, यहाँ पे गोल सेलेक्ट करो एसएससी, या इसके अलावा देखिए इतने सारे कोई भी एग्जाम अगर आप यहाँ दे रहे हो या कोई भी आप कोर्स लेना चाहते हो तो कोर्स लीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए, वहाँ जाके एक कोड मांगता है रेफरल कोड में आप याद रखिएगा अपना कोड क्या है, सज्जन टेन लगाने से फायदा क्या सर, हम क्यों लगाए, तो इसको लगाने से आपको 10% ऑफ मिलेगा, यानी जो 6,000 की चीज है तो 6,000 की चीज आपको कोड लगाने के बाद कितने पड़ जाएगी 5,400। अब सब मुझे बोलो कि सर हम आपका कोड क्यों लगाए, हम प्लस पे क्यों आए, क्या फायदे हैं, तो भाई प्लस पे आने के बहुत फायदे हैं, मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, यानी मैथ के अलावा आप जीके, जीएस, आप रीजनिंग, इंग्लिश और जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए वो सारे सब्जेक्ट करंट वरंट सब पढ़ सकते हो, डाउट सेशन उसमें लगता है, पीडीएफ आपको मिलती है, रेगुलर पीडीएफ मिलती है, डायरेक्ट इंटरेक्शन मेरे साथ होता है, पीवाईक्यूज उसमें करवाए जाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाते हैं, क्यूज होती है हर वीक, क्यूज होती है और हर क्लास के बाद, 3 क्लास के बाद डाउट क्लास होती है, होमवर्क क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, तो सज्जन टेन लगाएं और ज़्यादा फायदा है।
और जो भी टेलीग्राम मतलब चैनल पर आपका नहीं जुड़ा है वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे PDF और मैं आपकी जो स्पेशल क्लास होती है ना उनका लिंक और सारा लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। मैथ्स भाई सज्जन सर 4,500 के लगभग बच्चे इसमें हो गए हैं लगभग आपके, तो आप भी जुड़िए, 4,300 कुछ लगभग बच्चे इसमें हैं, तो आप भी जुड़िए और इस फैमिली को बढ़ाइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। अपना कोड याद रखिए, सज्जन 10 भूलना नहीं है, सज्जन 10 आपको लगाना है, ठीक है भाई। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। आपको लास्ट में फिर सभी सभी को मेरी ओर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से त्यौहार को बनाइए। थैंक यू वेरी मच।